Rajni, hello, John. Good morning, good afternoon, good evening, good night. तो ये चार चीज मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई सवेरे देख रहे हो, कोई दोपहर में देख रहे हो, कोई शाम में देख रहे हो और कोई नाइट में देख रहे हो। तो जिसके कारण मैंने आप लोगों को चारों चीज बोला, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, और वो शुरू करने से पहले आप अपने कॉपी और पेन को अपने बगल में रखें और साथ साथ लिखें, ताकि आपको उससे ये फायदा होगा कि आपका नोट्स भी बन के साथ में ही तैयार होता जाएगा, जिससे आप आगे रिवीजन कर सकें और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपके अपने चैनल आईपीसी के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो जिसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। तो स्थिर वैद्युत की हम किसे कहते हैं कि जिसमें चार्ज का रेस्ट में स्टडी किया जाता है, जिसमें चार्ज का रेस्ट में स्टडी किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो ये आपका हुआ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द which deals with the study of charges at rest, study of charges is rest is called electrostatics, is called electrostatics. The branch of physics which deals with the study of charges at rest is called electrostatics. The force field potential etc due to these static charges studied in electrostatics। कहने का मतलब हुआ कि भौतिक फिजिक्स का मतलब हुआ भौतिक विज्ञान, कि जैसे फिजिक्स का वह ब्रांच, वह घटक जिसमें चार्ज का रेस्ट में अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। कहता है द फोर्स कि मतलब इन स्टैटिक चार्ज के कारण जो फोर्स, जो फील्ड और जो पोटेंशियल होता है, उन चीजों का अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जाता है। ध्यान दीजिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का विराम में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं, उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। कहते हैं इन स्थिर आवेश के कारण लगने वाले बल
क्षेत्र विभव, विभव आदि का अध्ययन अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। तो चलिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का विराम में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इन स्थिर आवेश के कारण लगने वाले बल, क्षेत्र विभव आदि का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। और इस वर्ड को अगर आप एक एक वर्ड पे ध्यान दें तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण वर्ड स्टैटिक चार्जेस नजर आएगा, जिसे हम स्थिर आवेश कहते हैं। स्थिर आवेश कि ये स्थिर आवेश है क्या, कहां पर चार्ज स्थिर रहता है? कि जैसे अगर आप अभी चार्ज किसी कंडक्टर पे दे दें, कि जैसे आपका हुआ कॉपर, अल्मोनियम, अगर इन सब्सटेंस पर अगर हम चार्ज को देते हैं तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाता है। तो यहां पर चार्ज स्थिर नहीं है, तो ये चार्ज आपका स्थिर नहीं है। तो चार्ज स्थिर कहां रहता है, इसके बारे में भी एक सब्सटेंस आप पढ़े थे जिसे आप इंसुलेटर कहते हैं, अचालक कहते हैं। तो इंसुलेटर किसे कहते हैं? कहता है दो सब्सटेंस व्हिच इज नॉट यूज्ड टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, कहता है वह पदार्थ जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी और कंडक्ट नहीं होता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। और इन इंसुलेटर पर चार्ज देने से चार्ज क्या होता है? चार्ज अपने आप चल नहीं सकती है, घूम नहीं सकती है, इसे ही स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, इसे ही स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ स्टैटिक चार्जेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस। स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश हम किसे कहेंगे, स्टैटिक चार्जेस किसे कहेंगे? तो ये कहता है कि द चार्ज ऑन इंसुलेटिंग बॉडी कि द चार्ज ऑन इंसुलेटिंग बॉडीज कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। These charges is called static charges। कहने का मतलब है कि किसी अचालक वस्तु पर आवेश, किसी अचालक वस्तु पर आवेश अपने आप घूम नहीं सकती है, इसे स्थिर आवेश कहते हैं, इसे स्थिर आवेश कहते हैं। चलिए ये दोनों का नोट करें।
तो चलिए हम लोग दो चीज जानते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और स्टैटिक चार्जेस क्या है। नाउ हम लोग बात करते हैं कि चार्ज, चार्ज तो इसे कैपिटल क्यू, इसे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं आवेश, कि चार्ज क्या आवेश। तो चार्ज है क्या, तो ये कहता है इट इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यह मौलिक कण का यह मौलिक कण का आधारित गुण है। इट इज टेकन एज बेसिक। It is taken as basic experimental quantity also. इसे आधारित प्रायोगिक राशि के रूप में भी लिया जाता है। आधारित प्रायोगिक राशि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये दो पॉइंट हुए कि सबसे पहला पॉइंट है कि यह आपका जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, तो उसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि इट है चार्ज, किसके पास चार्ज है। कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋण आवेशित कण है, और प्रोटोन है तो वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल। ना अगर बात करें कि ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है अदिश राशि, जिसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ना चलिए इसका यूनिट का बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो यूनिट, यूनिट मतलब एसआई यूनिट। कि सिर्फ अगर हम यूनिट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एसआई यूनिट लिख रहे हैं, और हर वक्त जो भी देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो हर वक्त इस बात का याद रखें कि सिर्फ अगर यूनिट लिखा हुआ है तो यूनिट का मतलब होता है एसआई यूनिट। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन उसके फार्मूला से लिखा जाता है। जैसा कि अगर आप देखें तो I is equal to करेंट इज इक्वल टू, आप क्या पढ़े थे, इट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं। I is equal to क्या होता है, क्यू बाई टी। ना अगर आप यहां से इसे सॉल्व करें तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा, टी टाइम सेकेंड। इस तरीके से अगर आप यहां के बारे में भी सोचें तो इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी स्केलर होगा,
तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर आप यूनिट बनाने के लिए सोचें तो यूनिट आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसका यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, जिसे हम एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं। और इसी एम्पियर सेकेंड को, इसी एम्पियर सेकेंड को कूलम कहते हैं, इसी एम्पियर सेकेंड को कूलम कहते हैं। तो ये आपका हो गया कूलम, दिस इज कूलम, तो ये आपका हुआ एक कूलम, क्लियर। चलिए ऊपर तो लिखा हुआ हो गया होगा, इसे थोड़ा हम साइड से मिटाते हैं। तो चलिए आप इसके यूनिट में, नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, जब ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो हम वहां पर मजाक पे लिखेंगे कि इसका क्या है, तो सीजीएस यूनिट है। तो इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम, या इसे हम ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं, ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ईएसयू ऑफ चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी में आप देखे होंगे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन होता है, तो उसी प्रकार यहां भी आपका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन है, जिसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि दिस इज वन कूलम, वन कूलम इज इक्वल टू आपका होता है 3 × 10⁻⁹, 9 स्टैट कूलम, वन कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, 9 स्टैट कूलम। तो चलें एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, ईएसयू ऑफ चार्ज, किसे आप ईएसयू भी बोल सकते हैं कि दिस इज ईएसयू, ईएसयू इट मींस कि वन कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, 10⁻⁹ ईएसयू। इसके अलावा एक यूनिट और भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं ईएमयू, कि ईएमयू ऑफ चार्ज, ईएमयू ऑफ चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और वन ईएमयू में, कि दिस इज वन ईएमयू, तो वन ईएमयू में 10 कूलम होता है, वन ईएमयू में 10 कूलम होता है। और एक बार आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि वन ईएमयू इज इक्वल टू हाउ मच ईएसयू, कि वन ईएमयू इज इक्वल टू हाउ मच ईएसयू, ईएसयू, क्लियर। तो ना देखें यहां पर कि ये जो पूछा गया था तो ये आपका था वन ईएमयू इज इक्वल टू डॉट ईएसयू, डॉट ईएसयू। तो चलिए इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे आप देखें कि अभी आप पढ़े हैं वन ईएमयू, तो वन ईएमयू में कितने होते हैं, इट इज 10 कूलम, तो 10 × और 1 कूलम में कितने ईएसयू हैं, तो जैसे 3 × 10⁻⁹, तो 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहां पर देखिए 10⁻⁹ है, यहां पर 10⁻⁹ है, और यदि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यदि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, जैसे 9 + 1 = 10, तो ये आपका आ जाएगा जैसे कि 1 ईएमयू इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू।
टेन ई एस यू। वैसे अगर आप देखें तो इस तरीके से वन क्लब भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसे और भी छोटे छोटे यूनिट्स में डिनोट किया जाता है। तो नॉर्मल से हम लिखते हैं कि दिस इज सम अदर यूनिट्स, जैसे बोला जाता है कि दिस इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये आपका होता है फ्रैंकलिन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, तो इसे हम फ्रैंकलिन कहते हैं। तो ये आपका जस्ट ए नेम है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने चार्ज का नाम दिया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो उन्हीं के नेम को ऑनर देने के लिए इसे नाम दे दिया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कि आवेश का सबसे छोटा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक आपका होता है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। तो जिस तरीके से अगर ये छोटा यूनिट है तो बड़ा भी होगा, तो बड़ा यूनिट को क्या कहेंगे, चलिए बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कि आवेश का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मात्रक, और इस सबसे बड़े मात्रक को हम लोग कहते हैं फैराडे, जिसे एफ से डिनोट किया जाता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हुआ, फैराडे, और वन फैराडे में वन फैराडे में 96,500 कूलम होता है। तो चलिए इसी तरीके से आवेश को और भी छोटे छोटे मात्रक में, कि और भी छोटे छोटे यूनिट्स में डिनोट किया जाता है, तो जैसे आप देखें कि अगर हमें लिखा हुआ कि दिस इज 1 मिली, तो 1 मिली कूलम, तो 1 मिली कूलम, तो मिली कूलम को एम सी से डिनोट करते हैं, और 1 mc इज इक्वल टू आपका होता है 10^-3 कूलम। ना इसके बाद अगर हमें बोला जाता है कि 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम को म्यू से डिनोट किया जाता है, इट इज इक्वल टू 1 μc, तो 1 μc में 10^-6 कूलम होते हैं, 10^-6 कूलम होते हैं। ये आपका हुआ 1 नैनो कूलम, तो जिसे LC से डिनोट किया जाता है, और ये आपका हो जाता है 10^-9 कूलम, -9 कूलम, एंड लास्ट आपका होता है 1 पिको कूलम, तो 1 पिको कूलम में 10^-12 कूलम होता है। तो इस तरीके से इन सारे छोटे छोटे यूनिट्स से चार्ज को डिनोट किया जाता है, चार्ज को डिनोट किया जाता है। नाचने अब हम लोग देखते हैं इसका डायमेंशन। तो जैसा कि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि डायमेंशन भी, तो डायमेंशन भी फॉर्मूला से ही निकाला जाता है, कि जैसे अगर आप देखें तो यहां पर चार्ज इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, इट इज इक्वल टू आई टी, इट इज इक्वल टू आई टी। तो
चलिए सबसे पहले इधर क्यों, तो इस तरीके से इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दें, और इधर आपका है आई, तो आई को ए से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो चलिए चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाता है, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाता है ए टी, ए टी। तो चलिए ये आज का हुआ, नेक्स्ट कल के वीडियो में फिर हम इससे आगे का चीज लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से पढ़ें लिखें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो वीडियो जस्ट आपको प्राप्त हो सके। चलिए ठीक है, थैंक यू।